तो फाइनली आ चुके मास समाजा आदित्य विक्रम के सिंगम अगेन एंड साथ में कार्तिक आर्यन के बुल भैया 3 के कोने एपिसोड में वापस। तो आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 15 चल रहा है एंड थर्ड ऑफ फ्राइडे भी है भाई। देखेंगे आज के दिन क्या कलेक्शन है वो आ सकते हैं। देखो शुरू से बता दूं, एक गुड न्यूज़ भी है कि आज हमें एडवांस में कंपेरिजन टू यस्टरडे भाई थोड़ा सा स्ट्रांगनेस नज़र है वो आ रही है, विच मीन्स कि ओवरऑल हमें जंप है वो देखने को मिल सकता है। एंड ये ऐसा हम काफ़ी मिनिमम ही देखते हैं कि थर्सडे टू फ्राइडे हमें जंप है वो देखने को मिले, बट कितना जंप एंड एडवांस बात करते हैं आगे। बट उससे पहले देखेंगे डे नंबर 14 यानी कि थर्सडे क्लोज तक हमारे पास क्या ऑफिशियली फिगर है वो आने वाली है। सबसे पहले बुल भैया 3 की बात कर लेते हैं। डे नंबर 12 4.40 CR नेट एंड डे नंबर 13 4.21 CR एंड टोटल जाएगा फर्स्ट ऑफ 13 डेज 230.77 CR ग्रोस 276 CR एंड ओवर्स इज नियरली 68 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड में 344 CR के आसपास फिगर है वो जाने वाली है। एंड डे नंबर 14 की बात करें तो भाई डे नंबर 14 ठीक ठाक गए है, यहाँ पे समथिंग अराउंड या कलेक्शन काफ़ी बढ़िया दिखाया है, लगभग 4.20 CR के आसपास नेट कलेक्शन वो दिख रहा है थर्सडे के दिन, विच मीन्स कि वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑलमोस्ट भाई सिमिलर कलेक्शन है वो किया है यहाँ पे बुल भैया 3 ने, काफ़ी बढ़िया होल्ड। एंड ये कुछ नंबर रहा तो 234.97 जाएगा नेट एंड ग्रॉस 281.something अराउंड एंड वर्ल्ड वाइड में नियरली 350 करोड़, ये एक बड़ा अमाउंट है। अब देखते हैं आज के दिन मेकर्स पैसे भी ऑफिशियली फिगर वो देने वाले हैं, नेट तो वो डेली दे ही रहे हैं बट हम उम्मीद करेंगे कि वो भाई वर्ल्ड वाइड नंबर भी अपडेट करें। लेट्स सी, देखते हैं वो देंगे या फिर नहीं। एंड सिंगम अगेन मैंने कल शाम को टोटल नंबर बता ही दिया था फर्स्ट ऑफ 13 डेज एंड डे नंबर 14 मैंने 3 करोड़ के आसपास बताया था भाई, थोड़ा सा हमें जंप है वो देखने को मिल रहा है, मे बी 3.20 CR के आसपास नेट अप आ सकते हैं। एंड ये कुछ रहा तो 240.70 जाएगा नेट फर्स्ट ऑफ 14 डेज एंड ग्रॉस 289.20 ओवरसीज 72.10 एंड वर्ल्ड वाइड में 361.30 CR के आसपास फिगर है वो जाने वाली है। और आज के दिन वैसे मेकर्स ऑफिशियली भाई फिगर है वो देने वाले हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं कि जो मैंने बताया इतना कुछ नंबर जाएगा या फिर भाई थोड़ा हियर एंड देयर है वो जा सकता है, यानी कि ये कुछ भाई लेखा जोखा है। इवन हम स्टेट वाइज नंबर देखें दोनों फिल्मों का यहाँ पे यस्टरडे डे नंबर 14 तो भाई महाराष्ट्र में अभी के टाइम बुल भैया 3 है गाइस वो आगे चल रही है। देखो ये कल टेक्निकल इशू रीजन के कारण 20% हम कम डाटा ट्रैक कर पाए हैं कंपैरिजन टू पिछले फ्यू डेज। महाराष्ट्र में सिंगम अगेन 54 लाख कलेक्शन 1000 शोज एंड सिमिलर शोज हैं बुल भैया 3 के पास एंड लगभग 60 लाख कलेक्शन की है। नेक्स्ट गुजरात 1091 शोज में 40 लाख कलेक्शन एंड 891 शोज में 24 लाख कलेक्शन बुल भैया 3। गुजरात में अभी भी सिंगम अगेन मेरे भाई स्ट्रॉन्ग ही है। एंड नेक्स्ट दिल्ली 543 शोज 25 लाख सिंगम अगेन एंड 695 शोज भाई शोज देखो बुल भैया 3 के पास कितने ज़्यादा है दिल्ली में 44 लाख कलेक्शन भी की है, कंपेरिजन टू बुल भैया 3 काफ़ी आगे निकल चुकी है। नेक्स्ट यूपी देखोगे आप 390 शोज में 13 लाख सिंगम जो कि 509 शोज में 25 लाख बुल भैया 3। राजस्थान 243 में 12 लाख एंड 302 शोज में 16 लाख बुल भैया। एमपी 275 में 11 लाख सिंगम जो कि 302 शोज में 19 लाख बुल भैया 3 स्ट्रॉन्ग है। वेस्ट बंगाल 235 में 11 सिंगम एंड 23 लाख के आसपास है बुल भैया 3। आप महाराष्ट्र एंड गुजरात इन दोनों को साइड में करो तो भाई सिंगम वगैरह बाकी प्लेसेस में ज़्यादा कुछ भाई बिजनेस है वो नहीं आ पा रहा है। जो कि बात करें बुल भैया 3 की, हाँ थोड़ा गुजरात कहना होगा कि स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फिर भी कंपैरिजन टू यूपी हो गया, राजस्थान हो या फिर एमपी हो, वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, उनसे भाई ज़्यादा ही कलेक्शन है वो आ रहा है। एंड नंबर वन पे अभी जो सेंटर बना हुआ है एज अ बुल भैया 3 की बात करें तो महाराष्ट्र एंड दिल्ली है, जो कि सिंगम अगेन महाराष्ट्र एंड गुजरात है सबसे ज़्यादा इन प्लेसेस से कलेक्शन है वो आ रहा है। एंड आज की बात करें भाई क्या कलेक्शन है वो आ सकता है अपने डे नंबर 15। देखो एडवांस कंपैरिजन टू थर्सडे मुझे थोड़ा सा भाई स्ट्रॉन्ग नज़र है वो आ रहा है तो हम ये उम्मीद भी करेंगे आज फ्राइडे है इवनिंग नाइट थोड़ा भाई स्ट्रॉन्ग जा सकता है, कल सैटरडे है सैटरडे 50% ऑफ डे हमें देखने को मिलता है तो 3 करोड़ के आसपास उससे ज़्यादा ही आज अगेन भाई सिंगम अगेन है वो नेट कलेक्शन है वो करके दिखाए ये हम भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब लेट्स सी 3 से लेके 3.5 करोड़ के आसपास जो कि बुल भैया 3 समथिंग अराउंड 4 से लेके 4.5 करोड़ के आसपास हम उम्मीद है वो कर रहे हैं। एंड ये वाला वीकेंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है
देखो अभी दोनों का ज़्यादा कुछ कलेक्शन है वो नहीं आ रहा है, तो वर्किंग डेज में अभी फ्राइडे ये फिगर आ रही है 3 साढ़े 3 करोड़ के आसपास, बीच में उसकी नेक्स्ट जो मंडे आएगा तो वही 1.5 करोड़ के आसपास समथिंग अराउंड ये कुछ नेट कलेक्शन वो आने वाला है। एंड मे बी वीक डेज मिड में जाके मामला लाखों में भी आ सकता है, जिस तरह दिस वीक में हमें ड्रॉप देखने को मिला 10 to 50% नॉर्मली, एंड यही अगर नेक्स्ट वीकेंड में हमें देखने को मिला नेक्स्ट वीक डेज में, तो मामला भाई इजिली लाखों में है वो आ सकता है। तो दिस वीकेंड में भाई अच्छी खासी कमाई है वो करनी होगी। हाँ शोज तो थोड़े कम हुए हैं बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा, महाराष्ट्र में 1000 से ज़्यादा शोज़ हैं, गुजरात में 1000 से ज़्यादा शोज़ हैं, दिल्ली में 500+ शोज़ हैं, एंड बोल रही थ्री ऑलमोस्ट यही सिमिलर शोज़ हैं। बाकी मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।